रुके, हमारे लिए व्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो व्यू है ये हम एंजॉय कर सकते हैं बिस्तर में सोते सोते। तो ये हमारा एक छोटा सा रूम, बेड है इधर, उधर सुंदर सा एक व्यू, और इधर जितना सारा गैजेट्स है वो सब चार्ज कर रहे हैं। और ये होमस्टे का नाम है सोनम होमस्टे। और यहाँ से जो ये रिवर दिखाई दे रहा है ना, ये है स्पीति रिवर। ये मतलब रिवर व्यू होमस्टे है। सभी टाइम हो रहा है दोपहर के एक, और हम लोग अभी निकल रहे हैं स्पीति एक्सप्लोर करने के लिए, लोकल काजा एक्सप्लोर करने के लिए। अपन काफी रिलैक्स करके उठे हैं, तो उसी हिसाब से आप सबसे पहले तो चीचम ब्रिज एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कीपर विलेज, और लास्ट में इवनिंग में अपन की मॉनेस्ट्री करेंगे विजिट। देन उसके बाद में यही लोकल मार्केट में थोड़ा सा कोई कैफे वैफे होगा तो वो एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है भैया, सब खैरियत है? बड़ी जी बढ़िया बढ़िया। और क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज है, टेम्परेचर कम है, लेकिन मैंने अपने चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आज कैप रख लिया है, क्योंकि आज थोड़ा सा ट्रैक भी करना है, और अमित भाई का सनस्क्रीन भी लगा लिया है मैं। सो आज तो सुबह से देखा अभी तक पूरा रेस्ट किया हम लोगों ने। रेस्ट मतलब एक वीडियो अपलोड किया मैंने, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लिया। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रिप में रहते रहते मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसका वजह से एडिटिंग में काफ़ी टाइम जा रहा है मेरा। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने के लिए स्पीति वैली, और आज का हमारा जो पहला डेस्टिनेशन होगा वो है चीचम ब्रिज। रास्ते में हम लोग की मॉनेस्ट्री मिलेगा, किबेर विलेज मिलेगा, लेकिन वो सब हम लोग जब रिटर्न आएंगे ना उस टाइम जाएंगे की मॉनेस्ट्री में। वैसे अभी डायरेक्टली हम लोग जाने वाले हैं चीचम ब्रिज पे, मतलब जब शाम हो जाएगा उस टाइम हम लोग का मन है कि की मॉनेस्ट्री जाए। अभी दोपहर का टाइम है, धूप बहुत ही ज़्यादा है। तो ये देखो कितना सुंदर सा नज़ारा, ये मेरे बगल में स्पीति रिवर। तो यहाँ से सामने ना एक टी जंक्शन है, हमको जाना है स्ट्रेट, और हम लोग एक्चुअली लेफ्ट से आए कल। ये देखो राइट साइड में लिखा हुआ है किबर। तो आज वैसे सामान वगैरह कैरी नहीं कर रहे, सामान सब होटल में रख के आ गए। मेरे पास अभी बस कैमरा है, एडाप्टर है और ड्रोन है। तो अभी हम लोग एक पहाड़ चढ़ रहे हैं कि मोनेस्ट्री। एक्चुअली जितना सारा मोनेस्ट्रीज होते हैं ना नॉर्मली वो पहाड़ के ऊपर होते हैं, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो की मोनेस्ट्री भी कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम लोग एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम लोग को मिल जाएगा की मोनेस्ट्री। वैसे 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो यहाँ पे गेट है, लिखा हुआ है वेलकम। तो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के उस पार है की मॉनेस्ट्री। की मॉनेस्ट्री का जो स्पेलिंग है KEY भी लिखते हैं, KEY भी लिखते हैं। जब से हम लोग काजा से निकले तब से माउंटेन चढ़ ही रहे, रोड बहुत ही डेंजरस है, रोड का विड्थ छोटा है, राइट साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और लेफ्ट साइड में खाई है जो बहुत ही ज़्यादा डीप है। खाई की तरफ देखने से चक्कर आता है, इसीलिए मैं उस साइड देख भी नहीं रहा हूँ। भाई ऐसा कल पूरा दिन ऑफ रोडिंग था, लेकिन इतना डर नहीं लगा। आज का जो रोड है ना ये थोड़ा सा डरावना है, इतना देर टर्मेक रोड था और अभी ख़राब रास्ता आ गया है। सो यहाँ से दो रास्ते, एक राइट एक लेफ्ट, मुझे पता नहीं किधर से जाना है, तो मैं हमारा गाड़ी के लिए वेट कर रहा हूँ। ये देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, वो पहाड़ के गोद में एक छोटा सा विलेज, शायद वही किबर विलेज है। लेफ्ट है शायद ना, हाँ सही है, उधर एक ट्रेवलर जा रहा है तो यही रास्ता होगा। ये है क्या चीचम ब्रिज? अरे चीचम ब्रिज पहुंच गए। तो ये रहा चीचम ब्रिज, पता भी नहीं था इतना जल्दी पहुंच गए। तो चीचम ब्रिज तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत ही तेज है, और इतना तेज कि आसपास के जो पहाड़ है वहाँ से धूल मिट्टी उर के आ रहे, इवन मुंह के अंदर भी घुस रहे। तो फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठे, यहाँ पे बैठ के बात करूंगा। तो सर का एक्चुअली तबीयत खराब हो गया था, अभी तो सही है तबीयत? हाँ अभी सही है। हाँ, तो सुबह मैंने डाइमोक्स ले लिया था एक टैबलेट, उसके बाद एक घंटा रेस्ट किया, उसके बाद तो सब ओके हो गया सारा। सो चीचम ब्रिज जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि 13,244 फीट में बना है। बहुत लोग क्लेम करते कि ये अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट नहीं रहा, ये एशिया का हाईएस्ट बन गया अभी।
तो वैसे चीचम ब्रिज जो है ये चीचम विलेज और किब्बर विलेज को कनेक्ट करता है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग किब्बर में जाने वाले हैं, है ना। भाई ये नॉर्मल हवा नहीं है, ये बहुत हैवी सैंडस्टॉर्म आया और काफी देर से, सोचा था डूब रहूंगा लेकिन अभी तो मुश्किल है बहुत। मैंने चिंता में सर का मोबाइल पकड़ा और पकड़ने के साथ साथ मुझे करंट मारा। भाई मैं करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी, एक और भाई का मोबाइल लिया मैं फोटो क्लिक करने के लिए, तो वहाँ भी करंट मारा। स्टैटिक करंट, स्टैटिक करंट साथ में इस जैकेट की वजह से वो पैदा हो रहा हूँ। इतना ज्यादा स्टैटिक, मैं चश्मा गिर रही है, हटा ही देता हूँ। नहीं मुझे सच में करंट मारा भाई, तुम्हें भी तो मारा कैसे? स्टैटिक करंट, आप जब उनका मोबाइल छुए उस टाइम भी तो मारा। स्टैटिक करंट बोलते हैं। सो निकल रहे हम अभी चीचम ब्रिज से, सो अभी अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है किब्बर विलेज, जो बगल में ही है, ऐसे 2-3 किलोमीटर में आ जाएगा। आज ना बॉडी उतना साथ नहीं दे रहा, पता नहीं ये ट्रिप में क्या हो रहा है, मेरा हेल्थ मेरा साथ नहीं देगा ये मुझे पता नहीं था। जब से निकला तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही हुआ है, और आज भी मतलब उतना फ्रेश नहीं हुआ है माइंड, लग रहा है कि रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करें आराम से। सो आई गेस यही है किब्बर विलेज। देखो डिजाइन, देखो घर का कितना सुंदर है, और ना इधर देखा मैंने घर के छत के ऊपर देखो कुछ कुछ रखा हुआ होता है, ये शायद सुखाते हैं खाना वाना पकाने के लिए, शायद वो यूज़ करते हैं। तो हम लोग अभी विलेज के अंदर घुस चुके हैं, ये देखो घर का जो डिज़ाइन है वो कितना अलग है। फिलहाल किब्बर विलेज में है, और ये विलेज का हाइट ऑलमोस्ट 14,000 फीट, 14,200 फीट मान लेते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है विलेज है, बहुत ही छोटा सा विलेज है। अभी बस हम लोग आए, ड्रोन उड़ाए, अभी जा रहे हैं बस। विंटर के टाइम पे यहाँ स्नो लेपर्ड देखने को इजीली मिलता है। अच्छा हाँ, और ये जो तार फेंसिंग दिख रही है ये भी उसी से बचाव के लिए लगाई गई। हाँ ये फेंसिंग तो सब किब्बर विलेज को करते बाय बाय और निकलते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। चलो हाई कर दो, हाय। अभी हम लोग 14,000 फीट के ऊपर है और फिर भी जियो का नेटवर्क आ रहा है, एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जियो का नेटवर्क आ रहा है एकदम फुल टावर फुल स्पीड। और मैं कहीं पे पढ़ा था कि किब्बर में वर्ल्ड का हाईएस्ट स्कूल है। थोड़ा वेदर ख़राब कर रहा है, हम जहाँ पे थे अभी उधर पूरा क्लाउड एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा है, मतलब दूर से अभी समझ में आ रहा है। थोड़ी देर पहले जिस रोड से हम लोग चीचम ब्रिज गए थे उसी रोड से अभी वापस जा रहे हैं हम लोग की मोनेस्ट्री। ये जो लेफ्ट वाला गेट देख रहे हो इधर से जाते की मोनेस्ट्री, और राइट वाला रास्ता जाने से पहुंच जाएंगे हमारा होटल काजा। तो हमारे सामने जो सफेद बिल्डिंग नजर आ रहा है वो है की मोनेस्ट्री। बढ़िया है यार, बहुत ये सब मोनेस्ट्रीज है ना बहुत खूबसूरत जगहों पे होता है। ये देखो नीचे से पूरा स्पीति रिवर का जो व्यू है बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो की मोनेस्ट्री जाने से पहले सोचा थोड़ा खा पी के जाए क्योंकि भूख लगा है, सुबह बस पराठा खाया दो और तो इसलिए सोचा कि कुछ खाते। तो हमने ऑर्डर किया वेज बिरयानी, चिंतामणि सर और सलमान खान भाई ने ऑर्डर किया थुक्पा।
तो ये क्या चिकन थुक्पा है क्या? चिकन मैं एक्चुअली मोमो ढूंढ रहा था लेकिन मोमो खत्म हो गया मुझे, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं मिला, यही ले लिया मैंने। तो बात ये है, हम लोग खाते खाते काफ़ी लेट हो गए और अभी ऑलरेडी 7 बज चुका है और ये मॉनेस्ट्री अभी बंद हो जाएगा। तो अभी सोच रहे कि ऊपर जाके क्या करें, कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ऊपर जा भी नहीं पाएंगे शायद, तो बाहर से ही वीडियो थोड़ा दिखा देंगे। और वैसे मॉनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड भी नहीं है और अभी टाइम भी नहीं है, मतलब हम लोग ऊपर जा भी नहीं सकते। बुरा लग रहा है, इतना दूर आके हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन ठीक है बाहर से वीडियो वगैरह ले लेंगे। स्पीति वैली में बहुत रेयरली बारिश होता है और आज हम लोग को बारिश मिल रहा है ना? काउंटिंग वाइज जहाँ जहाँ जाता है या तो बारिश होता है अनोखा, या तो लैंडस्लाइड भी हो जाता अनोखा है। कुछ होता है जो नहीं होता कभी वो होता है। बहुत ही बुरा लग रहा है इतना दूर आके मोनेस्ट्री घूम नहीं पाए। वैसे हम लोग अगर अंदर जाते भी फिर भी कुछ भी शूट नहीं कर पाता मैं, क्योंकि वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। हम फिलहाल है हमारे होम स्टे का छत पे, वहाँ पे एक्चुअली हवा बहुत ही तेज़ था, हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, इसके वजह से ड्रोन उड़ाया नहीं मैंने। यहाँ पे वो कसर पूरी कर लेते हैं। ये हमारे सलमान खान भैया बैठे, उधर थोड़ा सा उड़ाया था मैंने तो उस टाइम भैया थोड़ा डर गए, नहीं चलाओ इतना महंगा है, गिर जाएगा। एक्चुअली हवा बहुत तेज़ था तो फिर इतना मैं भी डर गया, नीचे लेके आ गया। अच्छा हुआ ले, बारिश भी हो रही थी। हाँ, यहाँ पे देख रहा ना ट्रैक्टर, वो क्या कर रहा है ना, रिवर के बगल में जो रेत होता है वो उठा के लेके जा रहा है। अभी आपको हम ड्रोन से आपको ये इंडिया का झंडा दिखा देंगे जो पत्थरों के ऊपर बना हुआ है। वो वाला ड्रोन से काजा का नजारा और अमित भाई अपना चाय सैक्रिफाइस करके ड्रोन उड़ा रहे हैं। नहीं चाहिए, हो गया, दिखाइए इधर, दिखाइए, ये बीट बैठ रहा है ना। हाँ, ला ला ला। सर सर ऐसा कीजिए सामने। तो बात ये है कि हमारे सलमान भाई का सलमान नहीं, इनका असली नाम है विशाल, ठीक है। तो विशाल भाई का मनाली में मतलब टूर पैकेज वगैरह करवाते हैं विशाल भाई, अपना टैक्सी वगैरह है। तो कोई भी अगर आप लोगों में से कोई भी अगर मनाली आ रहा हो और पैकेज चाहिए, टूर पैकेज चाहिए मनाली का, या फिर टैक्सी चाहिए, तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्पीति ले, मनाली से लद्दाख वगैरह भी हो जाएगा, मनाली से लद्दाख, स्पीति सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डिटेल्स दे दिया मैंने, एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। और इन पर एकदम पूरा भरोसा है, ऑल्टो लेके आ गए स्पीति में, जो हालत खराब वाला रोड से स्पीति आ गए, और क्या बोल सकते हैं। सुमन तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। हाँ, इनके पास दूसरे और भी गाड़ी है लेकिन इस बार ऑल्टो ट्राई करना चाहते थे तो वही ट्राई किया। तो आज का वीडियो इधर ही एंड कर देते हैं, और आज का दिन एक्चुअली छोटा था, हम लोग निकले दोपहर को 1 बजे, अभी रात के हो रहे 10:30। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चिंतामणि सर का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, चेक कर लेना एक बार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पर।